सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कई लोगों के ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई सदर बाज़ार में काम चल रहा है, बहुत जाम लग जाता है। तो मैं आपको बता दूँ जाम क्यों लगता है। वो उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ पे सदर बाज़ार में काम चल रहा है, तो ये JCB की खुदाई और ये सब डंपर ट्रैक्टर ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे। इस वजह से जाम लग जाता है, जिस वजह से जो रोड है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए कितना जाम लग जाता है इस वजह से। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप समझदारी से काम लेंगे और सूझबूझ से थोड़ा टाइम निकाल के आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देख लीजिए, इस तरह से बड़े बड़े JCB ट्रैक्टर डंपर यहाँ पे लगाए गए हैं और इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे। ये देख लीजिए कितनी सारी जगह घेरी हुई है JCB और इन्होंने। लेकिन ये आप ही के फ़ायदे के लिए, क्योंकि कल को जब मेट्रो वगैरह बन जाएगी तो आप ही को फ़ायदा होने वाला है इससे। ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा काम चल रहा है ये दिल्ली मेट्रो का। तो बाकी जब आप आते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिक्शे वगैरह पे आएँ, अपने ट्रांसपोर्ट से ना आएँ, और कोशिश करिए कि आप सदर बाज़ार से पहले उतर जाइए और पैदल चल के आइए सदर बाज़ार में, ताकि जाम लग ना पाए। ये देखिए किस तरीके से काम चल रहा है सदर बाज़ार में मेट्रो का, कितनी जोरों शोरों से, क्योंकि बहुत जल्दी सदर बाज़ार में मेट्रो आने वाली है। ये देख लीजिए, मैं आपको एक झलकियाँ दिखा दूँ। ओ तेरी भाई साहब, कितनी बड़ी क्रेन है भाई साहब, कितनी बड़ी मशीन है। इस मशीनों से काम चल रहा है सदर बाज़ार में, काफ़ी शोर हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, कल को मेट्रो आएगी तो बड़ी सुविधा हो जाने वाली है सदर बाज़ार आने वालों के लिए। ये देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होने वाली है, क्या बात है यार, आग लगा दी, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए जैसे ये छोटी रोड कर दी गई है, इसमें दो आने और जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिए दिल्ली मेट्रो को और सूझबूझ के साथ आइए, पैदल चल के आइए, रिक्शे में मत आइए, बाहर उतर जाइए मार्केट से, तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा दिमाग से चलने की बात होती है। आज की वीडियो में बस आपको ये जानकारी देनी थी कि आप रिक्शे से मत आइए, पैदल आइए, थोड़ा समय निकाल के आइए, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, और संभल के आइए, ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।